India's fastest growing school chain presents Chamford School, Jaganpura Road, Patna. Admission opens for pre-nursery to standard 8. Best school for the best education and in Patna with facilities like smart classes, science lab, computer lab, rich library and big playground. For more details, contact 95340-9866. परम ज्योति श्री कल्कि वरदान की इस अद्भुत प्रक्रिया में हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। पिछले हफ्ते हमने कल्कि के महावाक्य के बारे में ज्ञान को पाया कि क्या होते हैं अंतर्यामीन और किस प्रकार से हमारे हृदय में जागृत होने के पश्चात या बाहरी रूप में हमारे लिए प्रत्यक्ष होने के पश्चात हमारे जीवन में हर एक कदम पे मदद करते हैं। कई सारे भक्तों के अनुभव भी आपने देखे और पिछले हफ्ते में हम कल्कि का यानी आपके भगवान का आवाहन भी किए हैं कि वो आपके हृदय में आपके लिए जागृत हो जाना है। हमने आपको कहा था कि इस एक हफ्ते के लिए आपको साधना करनी है, अपने भगवान से आपको बात करनी है। आशा यही करती हूं कि शायद आपने इस साधना को किया होगा। चलिए एक भक्त का अनुभव देखते हैं और प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं। नमस्ते, श्री कल्कि सरनाम। मैं अशोक कुमार ठाकुर झारखंड लोहरदगा से हूँ। जब से मैं कल्कि का ज्ञान लिया हूँ, भगवान बहुत ही हमारे जीवन को परिवर्तन किए हैं और जितनी भी विपत्ति आते हैं भगवान तुरंत उसको सोल्यूशन करते हैं। हमेशा भगवान लगता है कि भगवान ऊपर से भगवान हमारा साथ देने के लिए तैयार है। बड़े बड़े भी आपत्ति आते हैं वो सोल्यूशन हो जाता है। अभी जैसे बच्चा का हम बहुत सोच रहे थे कि बच्चों को पढ़ाई करेंगे, आर्थिक स्थिति थोड़ा सा कमज़ोर है तो सोचे कि कहीं अच्छा पढ़ाई करें, तो पढ़ाई करने में हमको दिमाग में आया कि नेतरहाट का एडमिशन करवाना है उसका। तो जब हम बच्चा का नेतरहाट का तैयारी करवा रहे थे तो बच्चा हमेशा तबीयत खराब हो जा रहा था। 4 महीना तो उसका तैयारी हमको रुकवाना पड़ा। मैं अध्या जी से बात किया तो अध्या जी भी जब भगवान का आशीर्वाद दिलाएं उसके बाद बच्चा दिनों दिन पढ़ाई में बहुत अच्छा करने लगा और विश्वास नहीं कीजिएगा 8 महीना ही पढ़ पाया और बहुत ही अच्छा नंबर से वो पास किया। लेकिन जब उसका एडमिशन होना है तो मेडिकल में भी उसको कुछ रुकावट आ गया था। तो एक दिन मैं भगवान के पास बैठा और भगवान को बोल रहा था, भगवान आप तो सब कुछ कर सकते हैं, अगर भी मेडिकल करते हैं तो फिर पैसा वैसा देना पड़ेगा और कुछ करना पड़ेगा, पास में तो पैसा है नहीं, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि उसको ऐसे ही कर देते हैं। विश्वास नहीं कीजिएगा, मैं पूजा में बैठा हुआ ही था और मेरे भैया वहाँ नेतरहाट में रहते हैं तो वो फ़ोन किए कि तेरा लड़का का सब सर्टिफिकेट तैयार है ना। हम कहा हाँ सब तो तेरे कर लिए थे, आवासीय जाति सब बनाया हुआ है। तो बोला नहीं, 2 दिन के बाद उसका एडमिशन है, सबका मेडिकल होना नहीं है और डायरेक्ट एडमिशन होना है। ये भगवान ऐसा चमत्कार कर रहे हैं। और तो और है, मैं आध्यात्मिक क्षेत्र से आगे से भी जुड़ा हुआ हूँ, मैं बच्चे से भी गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। अब भी जब हम पूजा करते हैं तो लगता है कि गायत्री जी ही सब कर रहे हैं, जो कल्कि का जो से मैंने ज्ञान लिया। और अभी गुरु जी जो है श्री राम शर्मा आचार्य, उनको भी मैं मानता हूँ और उनकी पूजा करता हूँ और अभी लगता है कि वही सब कर रहे हैं। तो ये चमत्कार जो हो रहा है सो बहुत दुर्लभ है। जब भी कोई परेशानी आता है, जैसे ही मैं कल्कि का आवाहन करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ, वो परेशानी चुटकी में ख़त्म हो जाता है। ऐसे लगता है कि परेशानी होना ही नहीं। अब कहा कि पहले कोई भी काम होता था तो बहुत टेंशन रहता था, अब टेंशन फ्री है। अभी दूसरा बच्चा भी जो अति नेतरहाट का तैयारी कर रहा है उसका भी हम क्या कहते हैं निश्चिंत है कि भगवान उनका भी पूरा अति करेंगे। बच्ची है, बच्ची का भी पूरा ही क्या कहते हैं कि अच्छे से वो पढ़ाई कर पा रही है, वो अभी जॉब कर रही है। और लड़का है, एक बड़ा लड़का है, वो भी आर्थिक परेशानी से जब जुड़ रहे थे तो उनके लिए भी भगवान जो सैलून का काम करते हैं तो सैलून एक अच्छा सैलून खोले हैं, छोटा सा ही छोटा सैलून है लेकिन वहाँ लगता है कि भगवान पूरा चमत्कार कर रहे हैं। उसको सुबह से लेकर शाम तक भी अति परेशानी नहीं होता है और बहुत अच्छा से सुबह शाम तक बिजी रहता है,
इतने तरह का अथी कर रहे हैं, अभी आर्थिक स्थिति में बहुत अच्छा से सुधार हो रहा है। मैं LIC भी कर रहा था, बीच में LIC भी हमारा डाउन था, अभी मेरा LIC बहुत अच्छा से चलना स्टार्ट हुआ है। ये सब जो चमत्कार भगवान कर रहे हैं, और लग रहा है कि फिजिकल रूप में भगवान है, और जब भी प्रार्थना करते हैं भगवान फिजिकल रूप में कर पा रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भगवान को, कोटि कोटि धन्यवाद कल्कि शरणम। इस सारे अनुग्रह और चमत्कार को देने के लिए कल्कि को कोटि कोटि धन्यवाद। वरदान मांगना ये एक अद्भुत कला है, और आज के इस भाग में किस प्रकार से अपने ईश्वर से, अपने भगवान से वरदान मांगना है, ये आज इस भाग में आप सीखने वाले हैं। इसके लिए 9 अलग अलग विषयों को हमें ध्यान देना है, उसमें से कुछ विषयों को इस हफ्ते में हम देखेंगे। चलिए तो देखते हैं पहले क्या विषय है जिसको हमें प्रार्थना के वक्त में ध्यान में रखना है, जिससे वरदान मांगना आसान हो जाए, वरदान को हासिल कर पाएंगे। पहली चीज है, वो है एक वक्त में एक वरदान मांगे। अब देखिए, हमारे जीवन में समस्याएं तो कई सारी हैं, इच्छाएं ढेर सारी हैं, और इसीलिए जब भी आप भगवान के सामने बैठते हैं, भगवान के सामने आप अपनी लंबी लिस्ट बताना शुरू करते हैं। आपको रुपया चाहिए, आपको आरोग्य चाहिए, आपका प्रमोशन होना है, आपकी पत्नी आपको प्यार करना है, आपके बच्चे का बहुत अच्छा होना है, आपका जीवन में जो जो भी आप सोच रहे हैं अपने परिवार के लिए वो सब बढ़िया होना है, आपके आस पड़ोस सब अच्छे होना है, आपका भगवान का साक्षात्कार होना है, और पता नहीं कितनी सारी चीजें हम भगवान से मांगते हैं। यहां पर कल्कि यही कहते हैं कि जो भी आपको मांगना है मांगिए, लेकिन एक वक्त में एक ही चीज मांगिए। जैसे आपके थाली में हमने लड्डू दे दिए, क्या करेगा, 10 के 10 लड्डू इकट्ठा मुंह में डालिएगा? नहीं, एक एक करते हुए एक एक लड्डू को आप मुंह में डालिएगा और बड़े आनंद से उसका स्वाद लीजिएगा, फिर दूसरा लड्डू खाएंगे। वही हम यहाँ पे भी कह रहे हैं, भगवान कहीं भागे नहीं जाएंगे, और मांगने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। तो जब मांगना ही है तो जो जरूरी है आज इस समय में हमारे जीवन में अत्यावश्यक है, ऐसी उस वरदान को प्रथम मांगे। जब इस एक वरदान को मांग रहे हैं उस वक्त में दूसरी चीजों के बारे में क्यों सोचना है? इसको मांग लीजिए, आधे एक घंटे के बाद दूसरा चीज मांगिए, फिर थोड़ी देर के बाद तीसरा चीज मांगिए। पूरा 24 घंटा है, ये 24 घंटे में आप 100 चीजें मांग सकते हैं, लेकिन एक वक्त में एक ही चीज मांगना है। तो प्रार्थना में जब वरदान आप मांगेंगे भगवान से, तो ये पहली चीज को आपको ध्यान में रखना है कि एक वक्त में एक चीज मांगना है। दूसरा है, वो है आपको समाधान के ऊपर ध्यान रखना है। इसका अर्थ क्या है? आमतौर पर लोग क्या करते हैं, अगर कोई समस्या आ जाती है तो उस समस्या के बारे में सोचने लगते हैं, उसके बारे में बोलने लगते हैं, उसको सपने में देखने लगते हैं, और वो समस्या और अधिक बड़ी हो जाती है। सोच सोच के वो समस्या जाने वाली नहीं है, लेकिन उस समस्या के बारे में बगैर सोचे समाधान क्या है उसका, उसके बारे में हमें चिंतन करना है, उसके बारे में हमें बात करना है, उसके लिए हमें प्लान करना है, उसी को भगवान को बताना भी है। हम क्या करते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास रुपया नहीं है, यही चीज को रटते रहते हैं, पुरानी हुई घटनाओं को बार बार बोल बोल के रोते रहते हैं, सोच सोच के सिसक सिसक के रोते रहते हैं। यहां पर हमें भगवान क्या ज्ञान दे रहे हैं, जब भी आप कल्कि के सामने अपने इष्ट देवता के सामने प्रार्थना करिएगा, तब आप जो चाहिए वो मांगिए, यानी मुझे रुपया चाहिए, रुपया नहीं है करके मत बोलिए, रुपया होना है, या फिर आरोग्य चाहिए करके आपको मांगना है प्रार्थना में। इसीलिए जब भगवान स्वयं ही आपको शक्तिशाली रूप में वर प्रदाता बन के वरदान देने के लिए तैयार है, तो आप समस्याओं को क्यों बताना चाह रहे हैं, वरदानों को मांगने के लिए चले जाइए और वरदान के बारे में सोचिए कि आपको क्या चाहिए। तो एक वक्त में जब आप एक मांग रहे हैं तो आपको जो चाहिए वो मांगिए, जो आपके पास नहीं है उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए। तो प्रार्थना में वरदान मांगते वक्त में ये दूसरा विषय है कि समस्या पर नहीं किंतु समाधान पर आपका ध्यान होना है। तीसरी चीज क्या है? तीसरा है आपके प्रार्थना में स्पष्टता होना है। अब बहुत बार ये होता है कि मांगे भगवान से कुछ कहें तो सामने वाला कहता है, अरे हम क्या मांगेंगे, भगवान तो सब जानते ही हैं। भगवान तो सब जानते हैं, लेकिन आपको क्या चाहिए ये आपको नहीं पता है। एक अच्छी सी नौकरी दे दीजिए, एक अच्छा सा घर दे दीजिए, मेरी बेटी के लिए एक अच्छा दूल्हा दे दीजिए, इतना बोलकर हम छोड़ देते हैं। वो अच्छी चीज माने कितना अच्छा है
इसको आपको स्पष्ट होना है। आपकी प्रार्थना में वो स्पष्टता अत्यंत आवश्यक है। ज्यादातर हम लोगों की प्रार्थनाओं में स्पष्टता होती नहीं है, इसलिए हम और एक दूसरी समस्या में आ जाते हैं। यहां पर एक उदाहरण बताते हैं एक व्यक्ति का। ये अपने जीवन में पैसे को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रगल हो रहे हैं, तो जब कल्कि के ज्ञान को सुनते हैं तो उनको ये क्लैरिटी मिलती है कि कहां वो गड़बड़ कर रहे हैं। ये हमेशा भगवान के सामने जब भी बैठे तो कहते हैं, भगवान मुझे इतना रुपया दीजिए, इतना रुपया दीजिए, इतना रुपया दीजिए कि मैं बैठ कर दिन भर गिनते रहना है। और भगवान देखे कितने दयालु है, जो भी भक्त ने मांगा तुरंत दे दिया। क्या हुआ, ये व्यक्ति जो गिनना चाहते थे नोटों को, आज बैंक में कैशियर है। दुर्भाग्य की बात है कि वो खुद के नहीं बल्कि लोगों के पैसे गिन रहे हैं। तो समझ में आ रहा है किस प्रकार से हमारे प्रार्थना में स्पष्टता न होने के कारण हम अपने अद्भुत वरदान को खो देते हैं। अगर वो सही प्रकार से कहते कि भगवान मुझे अपने रुपए को गिनना है, मुझे इतना धनवान बनना है, तब शायद उनकी प्रार्थना कुछ अलग प्रकार का फल या चमत्कार उनको दिखा देती। ऐसे और एक व्यक्ति हैं, ये बैंगलोर में रहते हैं। इनके भगवान के साथ बहुत अच्छी बंधन है, तो जो भी है वो दिल में खुल के भगवान से बात करते हैं। तो सुबह जब उठते हैं तो एक घंटा डेढ़ घंटा उनकी पूजा पाठ में चला जाता है। सभी देवताओं को धो देना है, उनको प्रसाद लगाना है, फूल वूल से पूजा करना है, और देवताओं के सामने बैठ के उसके बाद आधा घंटा बात करेंगे। उनकी पत्नी सोचती थी क्या इतना बतियाते हैं, भगवान से क्या बातें करते हैं। तो होता क्या है, जब भी ये प्रार्थना में एकदम विशेष संकल्प के साथ बैठ जाते हैं, इनके जीवन में एक परिवर्तन आता है, कुछ कुछ एक चेंज आ जाता है। हुआ क्या कि अचानक बहुत घमासान बरसात होती है, और इनका घर तो ग्राउंड फ्लोर में ही था, बैंगलोर में रहते हैं। ग्राउंड फ्लोर में घर होने की वजह से इतनी सारी तेज बारिश की वजह से पानी पूरा घर में घुस जाता है, बड़ी दिक्कत हो जाती है, सारा सामान खराब होने लगता है। तो उसी वक्त में तुरंत उसी बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पे एक मकान खाली था, तो बिल्डिंग के जो लोग हैं उन्होंने कहा आप तुरंत पहले फ्लोर पे शिफ्ट हो जाइए। तो जैसे तैसे फटाफट सारा सामान फर्स्ट फ्लोर पे शिफ्ट हो जाता है। और कुछ महीनों के बाद ऐसे ही पत्नी सोच रही है कि पता नहीं हमारे जीवन में क्या हो रहा है, कभी यहां कभी वहां, कैसे हम जी रहे हैं। तुरंत एक ऐसी घटना होती है कि उनको वहां से छोड़ के किसी और एक बिल्डिंग में अगले वाले दूसरे नंबर के तले पे घर लेना पड़ता है। क्या समस्या है, तो घर में पानी लीकेज हो रहा है, कितना भी उसको रिपेयर करने के बाद फिर से वो चू रहा है, फिर से वहां पर गीलापन दिख रहा है। तो ये उस पत्नी को पसंद नहीं है। फिर ऐसी कुछ घटना होती है, फाइनली उनको फोर्थ फ्लोर पे अपना घर शिफ्ट करना पड़ता है। एक दिन बहुत नाराज दुखी ऐसे स्थिति में वो पति को पूछती है, क्यों जी आप दिन भर वहां पर भगवान के सामने बैठते हैं, घंटा घंटा बातें करते हैं, क्या बात करते हैं आप भगवान से, जरा बताइए मुझे आप क्या बोल रहे हैं भगवान को। तो पति कहते हैं मैं तो कुछ नहीं, बस इतना ही बोल रहा हूं भगवान को कि भगवान सब लोग देखते रह जाना है, इतना मैं जीवन में ऊपर 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 जाना है। पत्नी अपने माथे पे हाथ मारती है और कहती है हाँ, नीचे वाले तले से चौथे वाले तले तक पहुंच गए हैं हम। ये है एक बहुत ही सुनने के लिए तो बहुत मजाक लग रहा है, लेकिन ऐसा ही कुछ होता है। हम मांगते कुछ है, होता कुछ है। क्यों? क्योंकि प्रार्थना में स्पष्टता नहीं है। देखिए रम्या को, बहुत अच्छे से प्रार्थना की और उसको जो चाहिए था उसने मांग लिया। रम्या ये एक जॉब पाना चाहती थी, तो उनको पता है प्रार्थना में क्लैरिटी होना है, स्पष्टता होना है। तो उन्होंने प्रार्थना में भगवान से क्या कहा, भगवान जो है इनके दोस्त हैं, भगवान को कहते भगवान देखिए मुझे एक अच्छी सैलरी में उन्होंने बताया फलानी सैलरी मुझे चाहिए, वो भी समुन्द्र के किनारे, मेरा ऑफिस होना है, थर्ड फ्लोर पे मेरा ऑफिस होना है, खिड़की के सामने मेरा केबिन होना है, और केबिन भी कैसे ठंडा, पूरा एसी होना है उसमें, गोल गोल घूमने वाली चेयर होना है, बीच बीच में जब भी ब्रेक रहेगा कभी कोल्ड ड्रिंक आ जाएगा तो कभी पिज्जा आ जाएगा, तो कुछ ना कुछ खाने के लिए कंपनी वाले देते रहना है। इतना ही नहीं, वो ये भी डिमांड करती है भगवान मेरा अपना एक्सपेंसेस मुझे नहीं चाहिए, मेरा खर्चा नहीं होना है, कंपनी की गाड़ी ही मुझे लाना है ले जाना है, बड़ी आराम से मेरा जॉब होना है। तो इस प्रकार की सारी सुविधाओं के साथ वो अपनी नौकरी को भगवान से मांगती है कि इस तारीख में इस समय तक इस कंपनी में मुझे नौकरी होना है। और जैसे रम्या ने मांगा आज उसी प्रकार की नौकरी को वो कर भी रही हैं। उतनी ही बड़ी सैलरी, उसी प्रकार का थाट, उसी प्रकार का जो जो उन्होंने किया था भगवान के पास में डिमांड, उन्होंने जो जो मांगा था वो आज सब कुछ रम्या के पास है। प्रार्थना में और अधिक स्पष्टता पाना है तो इस युवक की अनुभूति सुनिए। ये युवक जो है वो भगवान के सामने आते हैं और साक्षात उनको आकर कहते हैं भगवान
आपको तो जो भी मांगते हैं आप सब कुछ देते हैं, मेरे लिए बस आप 5, 4, 3, 2, 1 और 0 इतना ही दे दीजिए। तो इस भक्त की प्रार्थना को सुनकर जहां वो भगवान को मिलने के लिए दक्षिण भारत में ये आए हैं युवक, तो भगवान उनको पूछते हैं ये 5, 4, 3, 2, 1, 0 ये सब क्या है। तो भगवान आप ही तो कहते हैं प्रार्थना में स्पष्टता होना है, इसलिए मैं एकदम स्पष्ट होकर प्रार्थना कर रहा हूं। प्रार्थना में मैं ये कह रहा हूं कि मुझे 5 अंकों की सैलरी चाहिए, 4 पहिए वाली एक गाड़ी चाहिए, 3 बेडरूम हॉल किचन वाला एक सुंदर सा अपना मेरा घर होना है, 2 प्यारे प्यारे छोटे से बच्चे होना है, उसके लिए एक प्यारी सी पत्नी होना है, और मेरे लाइफ में 0 प्रॉब्लम होना है भगवान, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भक्त की प्रार्थना में इतनी स्पष्टता सुनने के बाद भगवान बहुत खुश हो जाते हैं और अपने उस युवक भक्त को पूरा आशीर्वाद देते हैं। जहां भगवान की अनुग्रह आशीर्वाद मिलती है, जो मांगा है आपकी झोली में आ जाता है। तो समझ में आ रहा है, जब आज आप वरदान मांगने जाओगे अपने ईश्वर के पास, अपने परम ज्योति के पास, तो कल्कि के इस ज्ञान को भूलिए मत, प्रार्थना में स्पष्ट रहिए। देखते हैं प्रार्थना में और आपको क्या करना है ताकि वरदान पाना आसान हो जाए। सत्य निष्ठा, इनर इंटीग्रिटी। सत्य निष्ठा जहां पर आपको अपनी प्रार्थना में सच बोलना है। बहुत बार हम क्या करते हैं ना, भगवान को खुश करने के लिए बहुत अच्छी अच्छी प्रार्थनाएं करते हैं, जो प्रार्थनाएं सच नहीं होती हैं। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं भगवान चाहे जो भी हो जाए, भले आप मुझे मत दीजिए, लेकिन मेरे भाई की हर एक इच्छा पूरी कीजिए, मेरे भाई के ऊपर हमें बहुत प्रेम है। क्या आप भगवान को इंप्रेस करना चाहते हैं ये कहकर कि भगवान मेरा कुछ नहीं, लेकिन कम से कम भारत देश का कल्याण कीजिए, भारत में शांति आना है, सबका मंगल हो जाना है। बताइए क्या आप सच में इतना भारत के लिए देशभक्ति दिखा रहे हैं? सत्य बताइए आपके जीवन में आपको क्या चाहिए। जब आपके प्रार्थना में आप सत्यनिष्ठ हैं तो आप ऐसे ही भगवान को इंप्रेस कर लेते हैं, भगवान को खुश कर देते हैं और आपको आपका वरदान तुरंत मिल सकता है। जैसे हमारे एक भक्त हैं जो दिल्ली में एक बहुत बड़े सर्जन हैं। ये जो डॉक्टर जी हैं, इनके लिए भगवान बहुत फिजिकल है। जब भी वो ऑपरेशन के लिए जाते हैं तो बस कहते हैं प्रभु आप आइए और आप मुझे बताइए कि इस पेशेंट का ऑपरेशन कैसे करना है। सदैव इनके साथ प्रत्यक्ष फिजिकली भगवान रहते हैं, इनको गाइड करते हैं कि क्या इसकी प्रॉब्लम है, किस प्रकार से कटवाना है, किस प्रकार से ट्रीटमेंट करना है, कैसे इसकी मेडिसिन चलनी है। इतना इंटरनली उसको मार्गदर्शन मिलता है और ऑपरेशन के वक्त में भगवान साक्षात रहते हैं। ये डॉक्टर अपने हॉस्पिटल के बहुत नामी डॉक्टर हैं और आज तक हॉस्पिटल के नंबर 1 डॉक्टर रहे हैं। एक बार ऐसे एक घटना हो जाती है कि इनके हॉस्पिटल में एक बहुत सीरियस केस आ जाता है, कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल लीडर है, उनकी कुछ दुर्घटना हो जाती है और उस पेशेंट को इनके हॉस्पिटल में इनके अंडर ट्रीटमेंट के लिए रखा जाता है। अब हॉस्पिटल की जो भी लाज मर्यादा, जो भी नाम कमाना है हॉस्पिटल को या गंवाना है, सब कुछ इस डॉक्टर के हाथ में है। अगर इस पेशेंट को कुछ हो जाता है तो इनकी कोई खैर नहीं। अब ये जो डॉक्टर हैं, तुरंत भगवान को प्रार्थना करते कि भगवान आपको तो हर हाल में इनको मदद करना ही है। देखिए इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी तो क्या उम्र है, बहुत कम ही उम्र है, इस अगर आदमी को कुछ हो जाएगा तो कहां जाएगा इनका परिवार। भगवान आपको तुरंत आना है, हमको मदद करना है, इसकी क्या कंडीशन है हमें बताइए, क्या करना है हमें करके वो भगवान से मार्गदर्शन मांगते हैं। ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भगवान अब मार्गदर्शन करेंगे। कहां, कोई आवाज ही नहीं, कोई अनुभूति नहीं, कोई संकेत नहीं, इनको समझ में नहीं आता है। तो जितना उनको वैज्ञानिक ज्ञान है, पढ़ाई लिखाई मेडिसिन की है, उसके हिसाब से वो अपना मेडिसिन देने लगते हैं, एक इंजेक्शन देते हैं, उतने में उस आदमी को लकवा मार जाता है। अब इनको समझ में नहीं आता कि जरूर कुछ गड़बड़ है, मैंने ही कुछ गड़बड़ किया है। तुरंत वो बाहर चले जाते हैं, अपने केबिन में बैठते हैं, आंख बंद कर लेते हैं और अपने आप में सोचते हैं कि भगवान क्यों रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, क्यों उत्तर नहीं दे रहे हैं। जैसे ही वो सोचने लगते हैं उनको पता चलता है कि वो झूठ बोल रहे हैं भगवान से। उनकी आंखें खुलती हैं कि मैं क्यों भगवान को इतना खुश करना चाहता हूं, इंप्रेस करना चाहता हूं। भगवान के सामने तुरंत वो अपने सत्य को बोलते हैं, भगवान प्लीज कुछ भी कीजिए, इतने सालों से मैंने इस हॉस्पिटल में नंबर 1 कमाया है, एक अच्छा डॉक्टर का दर्जा कमाया है, मेरे वजह से इस हॉस्पिटल को भी बहुत अच्छा नाम मिला है। अगर ये ऑपरेशन फेल हो जाता है तो मेरा तो पोजीशन गया ही, हॉस्पिटल भी बदनाम हो जाएगा, प्लीज मेरी इस पोजीशन को बनाए रखिए और हॉस्पिटल के नाम कीर्ति को भी बढ़ाए रखिए।
ये केस एकदम इमीडिएटली सॉल्व हो जाना है। जैसे ही अपने सत्य को वो भगवान को बताते हैं, अपने परमेश्वर के सामने व्यक्त करते हैं, तुरंत अंदर से भगवान करते हैं चलो उठो ऑपरेशन में जाना है। जाते हैं, ऑपरेशन होता है, हर एक कदम पे भगवान बताते हैं उस प्रकार से वो मार्गदर्शन लेकर ऑपरेशन करते हैं और पेशेंट ठीक हो जाता है, फिर इनका नाम उस नंबर वन की लिस्ट में बरकरार रहता है। तो देखा आपने, प्रार्थना में हमें भगवान को खुश करने की जरूरत नहीं है, बस अपने सत्य को बोलिए, भगवान ऐसे ही प्रभावित हो जाएंगे और आपके मांगे हुए वरदान को आपको आप हासिल कर पाएंगे। तो ये एक एक प्रार्थना की भाग है जहां पर हमें बहुत ही गौर से देखना है कि कैसे हम भगवान से मांगते हैं। कुछ देर के लिए अभी तक जितने विषय मैंने बताए उस एक एक विषय पर चिंतन कीजिए कि क्या वाकई में हम इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे विषय हैं जो हमें जानना है, तो वो सारे विषय हम अगले भाग में जानेंगे। लेकिन अब तक जो सीखा है, तो एक वक्त में एक प्रार्थना करना, प्रार्थना में समाधान के बारे में सोचना, समस्या जो भी है अगर आपको समाधान चाहिए तो स्पष्टता के साथ उसको मांगना, और अंतरंग में अपने आप से, अपने भगवान से सत्य बोलना। आंखें बंद कीजिए और कुछ देर के लिए चिंतन मनन कीजिए। आपका तन, आपकी बुद्धि, आपके जीवन में नाम, कीर्ति, प्रतिष्ठा, जो भी रुपया पैसा है, जो भी आपके रिश्तेदार हैं, ये सब कुछ आपकी पूंजी है। याद कीजिए कैसे कैसे परिस्थितियों में इन सारी चीजों को आपने पाया है और भगवान का हृदय से धन्यवाद दीजिए। आपके पास आपके साथ लोग हैं उन सबको भी धन्यवाद दीजिए। शांति, शांति, शांति। भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद दीजिए, वरदान पाने के इसने सरल तरीके को वो सिखा रहे हैं। आइए जाते जाते भक्त के एक अनुभव को सुनते हैं। नमस्ते, मैं भगवान शरणम, मैं डॉक्टर अमित गुप्ता, मोदीनगर में रहता हूँ और अभी एक गाजियाबाद में प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर एंड डीन फर्स्ट ईयर के रूप में कार्यरत हूं। मैं पिछले 15-16 सालों से भगवान से जुड़ा हूं और 15-16 सालों में अम्मा भगवान ने मेरी सोच को बदला है, मेरे जीवन को बदला है, मुझे आज एक कहें तो जानवर से इंसान बनाया। मैं अम्मा भगवान को इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। अम्मा भगवान जो है मेरे जीवन में हर पल मुझे अंतर्यामी बन के गाइड करते हैं। मैं आपको आपके साथ एक अम्मा भगवान को का मिरेकल शेयर करना चाहता हूं सबके साथ। ये बात सन 2013 की है। अम्मा भगवान के चमत्कार हमारे घर में हो रहे थे। उन चमत्कारों के दौरान ही अचानक एक दिन अंतर्यामी अम्मा भगवान ने मुझसे कहा कि अमित जी आपको एक घर बनाना है मोदीनगर में।
मैंने कहा भगवान मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, मैं कैसे घर ले सकता हूं। एक्चुअली हम दो कमरों के क्वार्टर में रहा करते थे मोदीज के। भगवान ने कहा मैं हूं, तुम का देखो काम करो। मैंने घर देखना चालू किया, अचानक एक सज्जन मिले, उन्होंने मुझे घर दिखाया, मेरे को घर बहुत पसंद आया। मैंने अपनी वाइफ को दिखाया, वाइफ को भी बहुत पसंद आया। हमने जब उसकी कीमत पूछी तो पता लगा 60 लाख रुपए। हमने कहा साहब 60 लाख रुपए तो हम पूरी जिंदगी कमाए जब नहीं आते। हमने भगवान से बोला, भगवान ये तो बहुत महंगा घर है जो आपने दिखाया है। तो भगवान ने बोला कि कोई बात नहीं, मैं साथ हूं, कार्य करो। तो जब भगवान बोल रहे थे तो हमने कहा ठीक है, हमारे पास 4-5 लाख रुपए थे, हमने सब कलेक्ट किया और कलेक्ट करके बयाने के रूप में पैसों को दे दिया। देने के बाद अंतर्यामी अम्मा भगवान हमें गाइड करते रहे कि तुम्हें अम्मा भगवान कि तुम्हें इस सज्जन के पास जाना है, इस सज्जन से अपने घर की बात करनी है। एक्चुअली मेरे पास एक फ्लैट था, तो भगवान बता रहे हैं कि उस सज्जन के पास जाइए, इसके बात कीजिए और बात करने के बाद जो है वो आपका फ्लैट लेगा। मैं गया, भगवान ने लोकेशन भी बताई थी कि यहाँ पहुंचना है, मैं वहीं पहुंचा। वहां वो सज्जन मिले, उनसे बात हुई, बात करने के बाद उन्होंने कहा कि हम आपके घर लेने को राजी है, और उन्होंने घर ले लिया। इस तरह से भगवान ने गाइड किया और आज अम्मा भगवान के आशीर्वाद से और उन अंतर्यामी की विशेष कृपा के द्वारा आज इस घर को पर 1 रुपए का भी कर्जा नहीं है, और आज लोग इसे मोदी नगर अम्मा भगवान हाउस के नाम से जानते हैं। अम्मा भगवान मेरे जीवन में इतना मिरेकल किया, उसके लिए भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक्स, थैंक यू। इस सारे अनुग्रह और चमत्कार को देने के लिए कल्कि को कोटि कोटि धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले हफ्ते। अगले हफ्ते आज ही के दिन आज ही के समय, तब तक के लिए नमस्ते। इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग स्कूल चेन प्रेजेंट्स शेमफोर्ड स्कूल, जगनपुरा रोड, पटना। एडमिशन ओपन्स फॉर प्री नर्सरी टू स्टैंडर्ड 8। Best school for the best education, and in Patna with facilities like smart classes, science lab, computer lab, rich library and big playground. For more details, contact 95340-98666.